बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की एक तस्वीर वायरल हुई है। इसके पहले आपको बता दें, जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की तस्वीर वायरल हुई है जिससे हड़कंप मच गया है। फोटो वायरल होने से कई तरह के सवाल उठ गए। तस्वीर में अनिरुद्धाचार्य भोपाल की सेंट्रल जेल के अधीक्षक राकेश भांगरे की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए, जबकि किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियम के खिलाफ है। फोटो वायरल हुआ और उसके बाद लगातार वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इंदौर में भागवत कथा कर रहे हैं। 9 अप्रैल को वो भोपाल पहुंचे थे, तब उन्होंने सेंट्रल जेल का भ्रमण किया था। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, जेल अधीक्षक की कुर्सी पर कथावाचक बैठे हुए नजर आए। ये फोटो जो है वो वायरल हुई है। गौरव गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरह से बात करें, किसी भी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना किसी को भी शोभा नहीं देता, लेकिन इतने बड़े कथावाचक और सेंट्रल जेल के अधीक्षक राकेश भांगरे की कुर्सी पर इस तरह से बैठे नजर आए, हालांकि ये तस्वीर भी बयां कर रही है कि उन्होंने खुद फोटो जो है वो खिंचवाई भी होगी बकायदा ऐसे बैठकर। अब क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है भोपाल की सेंट्रल जेल का, ये मामला बताया जा रहा है जहाँ पे जो आचार्य अनिरुद्धाचार्य हैं, कथावाचक हैं, ये भोपाल आए हुए थे, सेंट्रल जेल के भ्रमण पर गए थे, लेकिन जो यहाँ के जेलर हैं राकेश भांगरे, ये इनकी कुर्सी पर बैठे। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश भांगरे ने ही इन्हें अपनी कुर्सी दी थी बैठने के लिए, और उसके बाद जो अनिरुद्धाचार्य हैं उन्होंने यहाँ कुर्सी पर बैठकर अपनी फोटो भी खिंचवाई। अब ये फोटो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है और लगातार इस मामले को लेकर विवाद ये उठता जा रहा है कि प्रशासनिक किसी अधिकारी की कुर्सी पर इस तरह से कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। और ये जो अधिकार होता है ये केवल सीनियर अधिकारियों को ही होता है, जो उस कुर्सी से, जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी होता है उसके। ऐसे में अनुराधाचार्य के इस कुर्सी पर बैठने के इस फोटो के वायरल होने के बाद लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। राकेश भांगरे भी लगातार घिरे हुए हैं। हालांकि जो उच्च अधिकारी हैं, पीएचक्यू में जो अधिकारी है, जेल विभाग के जो अधिकारी है, उन्होंने भी राकेश भांगरे से इस मामले में सफाई मांगने की बात कही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। बताना चाहूंगा, आचार्य जो है वो 9 अप्रैल को भोपाल आए थे, उसी दौरान ये जेल पहुंचे थे वहां पे भ्रमण के लिए, और राकेश भांगरे ने इसी दौरान उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया और यहाँ पे उनकी एक फोटो भी खींची गई। फिलहाल जो है ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कब कार्रवाई इस मामले में होती है ये देखने वाली बात। गौरव, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि दूसरा अगर पहलू देखे तो क्या कथावाचक को जबरदस्ती आग्रह किया गया अधीक्षक के द्वारा कि आप इस पर बैठें? देखिए, अगर इस तरह का कोई भी मामला होता है, अगर जेलर के द्वारा भी अगर इस तरह से अनुराधाचार्य को अगर अपनी कुर्सी पर बिठाया गया है तो वो भी अपने आप में सरासर गलत है, और ऐसे मामले में कार्रवाई भी संभवतः होगी ही, क्योंकि इस तरह की जो कुर्सियां होती है या इस तरह का जो पद होता है वो एक प्रशासनिक पद होता है। ऐसे में इस तरह के पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बिठाया जा सकता है, अपनी कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता है, अपने आप में ये असंवेदनशील तरीके से दिखाई देता है। एक डिग्निटी या एक कहे तो एक जो कह सकते हैं कि एक अनुशासन जो होता है प्रशासन में, उस अनुशासनहीनता के तहत इस तरह की चीजों को देखा जाता है। अनुशासनहीनता के तहत अगर इस तरह की चीजों को देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल, तो अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं हुई है, और अब जवाब जो है वो दिया मांगा जा रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ जवाब इस मामले पर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।